अस्सलामु अलैकुम मोहतरम सामीन, आज दो दिन से जो मसला बहुत ज़्यादा जेरे बहस है उस हवाले से अपनी ओपिनियन आपके साथ शेयर करेंगे, अपने व्यूज़ आपके साथ शेयर करेंगे। तो जी बात करने जा रहे हैं आज हम खलील रहमान कमर साहब और मोहतरमा मारवी सरमद साहिबा के हवाले से। तो मोहतरमा मारवी सरमद साहिबा की जो एक मूवमेंट मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव हुई हुई है, तो मोहतरमा आपको ये मैं कहना चाहूँगी कि आपका जिस्म आपकी मर्ज़ी नहीं है, क्योंकि कुरान करीम में वाज़ह इरशाद है कि हमने जिन्नो इंस को अपनी इबादत के लिए पैदा किया, यानी कि पैदा किया है कुदरत ने, तो उसने मकसद तख्लीक भी बता दी है, मकसद पैदाइश जो है वो भी बता दी है। तो इसलिए तुम्हें अगर यहाँ भेजा गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम यहाँ आके अपनी मर्जियाँ चलाओ, तुम्हें मर्जियाँ चलाने के लिए यहाँ पर नहीं भेजा गया, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि आप बात करती हैं आज़ादी की, लिबरलिज्म की बात करती हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि आपको किस सॉर्ट की आज़ादी चाहिए, किस टाइप की आप आज़ादी चाहती हैं, आप कौन सा कल्चर यहाँ पे प्रमोट करना चाहती हैं, आप वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट करना चाहती हैं, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में आप वेस्टर्न कल्चर को लेके आना चाहती हैं, आप अपने ये जो प्ले कार्ड है ये आप जाके कहीं और पर डिस्प्ले करें, या आप वेस्टर्न कल्चर अपना जो है ना जाके कहीं और प्रमोट करें। मगरिब के झूठे बर्तन में है खाना पीना रास तुम्हें, और खोटे सिक्कों जैसे नारे हैं लगते हैं खास तुम्हें, और आप किस ख्वाब में महल में जी रही हैं, ठीक है, आप किस भूल में हैं, आपको इज्जत रास नहीं है, आप इस तरह की बातें करती हैं, आपको शर्म नहीं आती, आप पाकिस्तान की अवाम को, आप पाकिस्तान की बेटियों को, कौम की बेटियों की किस तरह की किरदार साजी कर रही हैं, आप किस तरह की उनकी जहन साजी कर रही हैं, आप उनको ये सिखा रही हैं। और ख़ासतौर पर जो ख़वातीन आपका साथ दे रही हैं ना, असल में बात यह है कि उनकी अकलों पे पर्दे पड़ चुके हैं, और उनकी जो अकलें हैं वो उनके जिस्म के मलबों के ढेर तले दफन हो चुकी हैं, इसलिए वो आपके साथ है। तो अगर आप ख़वातीन के हकूक़ की बात करें तो आप सब आपका साथ दें, लेकिन आप ख़वातीन के हकूक़ के नाम पे फहाशी फैला रही हैं, आप ख़वातीन के हकूक़ के नाम पे बेहयाई फैला रही हैं, और ख़ास तौर पे सबसे बड़ी बात एक जो समझ से बलतर है कि हमारा मीडिया, बल्कि हमारा जो बिकाऊ और हमारा जो दज्जाली मीडिया है वो इस बात को, उसको इल्म है कि ये जो खातून है ये हमारे मज़हब के ख़िलाफ़ बात करती है, ये हमारे कल्चर के ख़िलाफ़ बात करती है, हमारी मज़हब को गाली देती है, हमारे कल्चर को गाली देती है, फिर भी इसको टॉक शोज़ की जीनत क्यों बना देते हैं, क्यों टॉक शोज़ में इस तरह के लोगों को बुलाते हैं, इस तरह के लोगों को क्यों प्रमोट कर रहे हैं, और बजाय इसके कि ये खलील रहमान कमर साहब का साथ दें ये उस औरत को प्रमोट कर रहे हैं, उनको क्यों इतना प्यार है इस औरत के साथ, क्यों ये उसको इतना प्रमोट कर रहे हैं। और हमारे जो एंकर पर्सन्स हैं उनके उनके वो तो रैंकिंग पे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड कैटेगरीज में आ रहे हैं, वो अखलाकियात का दर्स दे रहे हैं, वो वहाँ बैठ के ये बता रहे हैं कि आपको किस तरह अखलाक में रह के बात करनी है, आपकी आपकी तहजीब क्या है, आपकी बद तहजीबी क्या है, आप किस तरह से लिमिट्स के बारे में वो आपको बता रहे हैं, ठीक है। अब ये मीडिया हमें सिखाएगा कि तहजीब क्या है, बद तहजीबी क्या है, आप हमें सिखाएंगे? आप तो अपनी सस्ती शोहरत के पीछे भाग रहे हैं, आपकी सोच पे मुझे अफसोस है, आपके अल्फाज पे मुझे अफसोस है, आपका नाम मैं नहीं लेना चाहूंगी, जितने भी हमारे माशाल्लाह से एंकर पर्सन्स जो हैं वो आजकल कोई भी टीवी चैनल आप ऑन कर लें, सोशल मीडिया पे आप देख लें कि किस तरह से वो बात कर रहे हैं, और हमारे इस्लाम का मजाक उड़ाया जा रहा है, इस्लाम के शुआर का खुल्लम खुल्ला मजाक उड़ाया जा रहा है, और आप सस्ती शोहरत के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। तो खुदारा अगर आप हक का साथ दे नहीं सकते तो आप एटलीस्ट गलत बात को भी प्रमोट मत करें। और आप क्या सवाल आपका क्या है, सवाल किस तरह से ब्रेन वॉशिंग देखिए किस तरह से की जा रही है कि ख़वातीन के जो हकूक़ हैं, जो ख़वातीन की तोहीन जो है वो मुआशरा बर्दाश्त कर सकता है, तो क्या ये बेहयाई ये फहाशी हमारा इस्लाम इजाज़त देता है, ये हमारा मुआशरा इजाज़त देता है इस बात की? और हमारे बहुत ही मशहूर मजहबी स्कॉलर डॉक्टर आमिर लियाकत साहब, उनका क्या कहना है, कुरान पाक से वो दलाइल देते हैं और सूरह तीन की आयत पढ़ते हैं और कहते हैं कि लकद खलकनल इंसान फी अहसन तकवीम, कि यानी इंसान को अगर उम्दा और ख़ूबसूरत बनाया गया है तो आप का कोई इख्तियार नहीं है कि आप किसी के वजूद पे तबसरा करें, लेकिन आप अगर थोड़ी सी जहमत कर लेते ना, इससे अगली आयत पढ़ लेते तो मेरे ख्याल में बात आपको समझ आ जाती, सुम्मा रदद ना हो असफला साफिलीन, और फिर उसे नीचों से भी नीचा कर दिया गया, तो ये किसकी बात है, असफला साफिलीन यही लोग हैं जो इंतशार फैलाते हैं, और इसी तरह की खवातीन जो इंतशार फैलाती थी और बनी इसराइल की तबाही और बर्बादी का सामान बनी थी, यही खवातीन जो है वो थी सबब थी, और आप इस खातून का साथ दे रहे हैं,
बेशक नापाक जो मर्द हैं वो नापाक औरतों के लिए, और नापाक औरतें जो हैं वो नापाक मर्दों के लिए। और जो इनका साथ दे रहे हैं ना, वो दरअसल वो औरत की, वो जो आज़ादी मार्च की बात करते हैं ना, वो औरत की आज़ादी की बात नहीं कर रहे, वो औरत तक पहुंचने की आज़ादी की बात कर रहे हैं दरअसल। तो शर्म आनी चाहिए आपको, आपको मजनू नजर आ रहा है, आपको लैला नजर नहीं आती, आप इस तरह की बात कर रहे हैं। खलीलुर रहमान कंवर साहब ने अगर जो भी बात की है तो उन्होंने अपने कौम की जज्बात की तर्जुमानी की है। और जब जब इस तरह की मारवी सरमद जैसे लोग आके इस तरह की बकवास करेंगे ना, तब तक खलीलुर रहमान कंवर जैसा लीडर उनका मुंह तोड़ जवाब देगा, और ये अवाम भी उसका जवाब देगी। और आप सोशल मीडिया से हर जगह से उनसे उनका बायकॉट करना चाह रहे हैं, आप नहीं कर सकते। आप कोशिश करके देख लें, आप नहीं कर सकते। तो प्लीज आप ये सब कुछ करना बंद कीजिए। और खलीलुर रहमान कमर साहब से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि ये जो माफ़ीनामा आपसे करवाना चाह रहे हैं, ये आप ना कीजिएगा सर। आपसे हमारी रिक्वेस्ट है, अगर आपने ऐसा किया तो बहुत सारे जो मर्द ख़वातीन हैं उनका सर जो है वो शर्म से झुक जाएगा। आप हकीकी आज़ादी चाहते हैं। 1947 से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, और अभी तक हमारी सोचें आज़ाद नहीं हुई, तो इन सोचों को आज़ाद करने की ज़रूरत है। हकीकी आज़ादी तब हमें मिलेगी, इस तरह से हम आज़ादी हासिल नहीं कर सकते। तो मेरा ये तमाम लोगों के लिए मैसेज है, तमाम यूथ के लिए मैसेज है कि आप खलीलुर रहमान कमर साहब का साथ दीजिए, और हम सब सर आपके साथ हैं, आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी पार है, ये यंगस्टर्स आपके साथ हैं। स्टूडेंट्स की तरफ से मैसेज है, मैं खुद स्टूडेंट हूँ, और मैं मेरी तरफ से ही मैसेज है, सारे स्टूडेंट्स की तरफ से ही मैसेज है कि आप ज़रूर उनका साथ दीजिए, उनको प्रमोट कीजिए, उनके साथ आपके साथ की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और उनका बाजू बनिए और उनका साथ दीजिए। और मुझे दीजिए इजाज़त, फी अमानिल्लाह।